और 21वें सदी के एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज टुडे वी हैव रमेश पोखरियाल जी ऑल्सो, बट आई रिक्वेस्ट फर्स्ट सेक्रेटरी हु विल डू फर्स्ट, अमित खरे जी टू ही इज सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सो ही विल डू अ प्रेजेंटेशन बिकॉज बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत मुद्दों को ढंग से समझने के लिए एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, सबको मिलेगा भी और प्रेस रिलीज भी डिटेल है वो भी मिलेगा। मैं इसके साथ ही अनुरोध करूंगा स्कूल एजुकेशन के प्रमुख जो रिफॉर्म्स हैं उस पे सचिव स्कूल शिक्षा बताएंगे। माननीय मंत्री जी श्री जावड़ेकर जी, माननीय मंत्री श्री निशंक जी, सचिव उच्च शिक्षा श्री खरे जी, पीआईबी से कुलदीप जी और प्रेस के मित्रों, जैसा कि सर ने कहा मैं यहीं से शुरू करती हूँ। ये जो पूरी जो हमारी पॉलिसी आज आई है बाहर, उसमें 27 मेजर हेडिंग्स हैं सर, टेक्नोलॉजी से 27 जो मेजर हेडिंग्स हैं उसमें 10 हेडिंग्स सिर्फ स्कूली शिक्षा के लिए हैं, 10 हेडिंग्स सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए हैं, लेकिन 7 हेडिंग्स ऐसे हैं जो कॉमन है और वो जो कॉमन है उसमें ये टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन भी है। तो जैसा कि सर कह रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, जो आप ऊपर जो 4 बुलेट देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जो यूज है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, वो ऑनलाइन एजुकेशन मतलब 2nd बुलेट है, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट के लिए तो यूज होगा ही, लेकिन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो बाकी एरियाज हैं उसके लिए भी यूज करने के लिए काफी डिटेलिंग है उसमें। अब हम स्कूल के रिफॉर्म्स की तरफ आए तो इसमें काफी पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हैं जो कि इनफैक्ट पहली बार किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में आई है। सबसे पहली चीज तो 1986 में जैसा कि ICDS स्कीम का इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इस बार जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए एक पूरा करिकुलम बनाने की बात है। करिकुलम के अलावा यूनिवर्सलाइजेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी जो लिखा हुआ है, तो इस शिक्षा को जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है उसकी यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है। इसका जो करिकुलम है वो NCERT के द्वारा डेवलप होगा और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी में भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्री स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन दोनों सिस्टम्स को कंटिन्यू करके वहां पे एक प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड जो करिकुलम होता है वो लागू किया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग की जाएगी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इसमें निर्णय है वो है कि जो बुनियादी शिक्षा होती है, जो बच्चे 6 से 9 वर्ष के होते हैं, जो कक्षा 1 से 3 में पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक लिटरेसी यानी कि साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी जो संख्या ज्ञान होता है, इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा जो सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करेगी और पूरे देश के बच्चों की ट्रैकिंग करके वो बच्चे कक्षा 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर लें, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो तीसरा बड़ा इसमें रिफॉर्म है वो है जो पाठ्यक्रम का और पढ़ाने के तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज है। आप सब जानते हैं कि अभी 10+2 स्ट्रक्चर है, जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज वाइज करिकुलम होता है, फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, +2 में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहां पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक है, मतलब 3 से 6 वर्ष जिसका पाठ्यक्रम बनेगा, और जो 12 वर्ष हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया है कि वो कंटिन्यूटी, बुनियादी शिक्षा तक कंटिन्यूटी रहे, मतलब 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो है 8 वर्ष तक एक ही पाठ्यक्रम, एक ही तरीके से पढ़ाई करे, प्ले मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ताकि वो
फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव कर सके। जो मिडिल स्कूल होगा, जो 6 to 8 वाला जो 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 कक्षा है, उसमें जो है वो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगी और फिर सब्जेक्ट की एक्सप्लोरेशन होगी और वो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है, इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है, कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टीडिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ, जैसा सर ने कहा, फैशन स्टडीज लेना चाहे, बेकरी कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड। तो ये पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज है, इसमें कोई फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि स्कूल की बिल्डिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये पाठ्यक्रम में चेंज है। जो करिकुलम है इसमें खास करके भारण दिया गया है कि साइंटिफिक टेम्पर बच्चे का बचपन से, 3 साल की उम्र से लेके 18 साल तक, और उसी तरह मैथमेटिकल थिंकिंग। इनफैक्ट पॉलिसी में रिकमेंडेशन है कि कक्षा 6 से बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि कोडिंग से मैथमेटिकल और कॉम्पिटिशनल थिंकिंग की शुरुआत होती है। तो 21st सेंचुरी स्किल्स भी उसके साथ समावेश किए जाएंगे। जो 5वां बुलेट है, जो अभी जो रिजिड सेपरेशन है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है अगर आप स्पोर्ट्स में चले गए, ये को करिकुलर एक्टिविटी अगर आपने डिबेटिंग कर ली, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा है, या वोकेशनल सीखना चाहते हैं तो वो नॉन एकेडमिक है, वो सारा जो सेपरेशन है वो हट जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, वोकेशनल, एकेडमिक्स, एवरीथिंग विल बी ऑन द सेम लेवल। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ये इंक्लूजन के लिए बहुत जरूरी है। सर ने इंक्लूजन की जो बात की, यहाँ पे 2 तरह का इंक्लूजन है। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, उनका इंक्लूजन के लिए स्पेसिफिक इसमें रिकमेंडेशन हैं। उसी तरह जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो किसी भी पॉपुलेशन के 3 से 4% के बच्चे जो होते हैं, जो जीनियसेस माने जाते हैं, उनके लिए भी इसके अंदर प्रोविजन है। जो गर्ल चाइल्ड के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर स्पेसिफिकली टारगेटिंग द गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट, गर्ल चाइल्ड के लिए और भी बहुत कुछ है पर मैं यहाँ आपको मेजर रिफॉर्म्स बता रही हूँ। जो कस्तूरबा गांधी विकास बालिका विकास विद्यालय है, वो अभी कक्षा 8, कहीं कहीं कक्षा 10 तक है, उनको कक्षा 12 तक हर एक जगह ले जाया जाएगा। जो मेन चीज है, जो आप सेकंड लास्ट बुलेट देख रहे हैं, कि जो करिकुलम है हमारा वो इतना हैवी है कि बच्चे जो है लाइफ स्किल्स, साइंटिफिक टेम्पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। तो करिकुलम को एसेंशियल कंटेंट तक सीमित किया जाएगा ताकि समय मिले बच्चे को कि ये सब चीज एक्सप्लोर कर सके। वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जाएगा। वोकेशनल जो है वो क्लास 6 से शुरू किया जाएगा, ये भी इस पॉलिसी में पहली बार है। पिछली पॉलिसीज में दिया हुआ है कि स्कूलिंग में सेकेंडरी लेवल पे वोकेशनल शुरू होगा, ये कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप्स भी हम पॉलिसी में लेके आए हैं कि बच्चा जो लोकल क्राफ्ट्स पर्सन है या ट्रेड पर्सन है, वहां जाकर के बैगलेस डे करके 10 दिन की इंटर्नशिप साथ में उनके साथ बैठ के करे, चाहे वो लॉन्ड्री चलाता हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, उसके वहां जाके अटैचमेंट करके बच्चा समझे कि लोकल क्राफ्ट्स ट्रेड्स क्या हैं। जो एक और मेजर रिफॉर्म है वो करिकुलम फ्रेमवर्क, जो हमारा पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा होने वाली है, वो 4 जगह वो चेंज होने वाली है। एक तो स्कूली शिक्षा की जो एनसीएफ है वो 2005 में बनी थी, 15 साल हो चुके हैं उस बात को, वो नया पाठ्यक्रम आएगा। उसी तरह से जो टीचर्स एजुकेशन जो 2009 में बनी थी 11 साल पहले, वो भी अब हम हाथ पर लेंगे। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की मैंने आपसे जो बात करी, कि वो भी जो है अब की बार पहली बार इस तरह से बनेगा कि 0 से 3 वर्ष का सब फ्रेमवर्क बनेगा, जिसमें पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आप घर पे क्या कर सकते हैं, और 3 से 6 वर्ष का आंगनवाड़ी के अंदर या प्री स्कूल में अगर बच्चा है तो उसके लिए बताया जाएगा। बोर्ड एग्जाम, इसके ऊपर काफी विस्तृत में पॉलिसी में लिखा हुआ है। बोर्ड एग्जाम जो है उसका महत्व जो है उसको कम करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया है कि मॉड्यूलर एग्जाम्स हो सकते हैं, साल में एक बार होना जरूरी नहीं है, 2 बार हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए हर सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स से शुरू करते हुए हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पे ऑफर किया जा सकता है।
और तीसरा ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग में बांटा जाए, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। इस तरह से काफी सारे इसके अंदर पॉलिसी में चीजें लाई गई हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम सिर्फ नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट करे, रोट लर्निंग को नहीं। जो आप रट करके जाते हैं उसको नहीं, लेकिन वहां जाकर के जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके नॉलेज को अप्लाई करने की बात है उसको टेस्ट किया जाए। जो शिक्षा का माध्यम है उसमें यह लिखा है कि जहां तक पॉसिबिलिटी हो वहां तक पांचवी कक्षा तक मातृभाषा या नहीं तो क्षेत्रीय भाषा हो या घर की जो भाषा बोली जाती है उसमें पढ़ाया जाए, और हो सके तो आठवीं तक पढ़ाया जाए और उसके आगे भी पढ़ाया जाए जहां पॉसिबल हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें लेके आए हैं कि जो बच्चे का जो आप रिपोर्ट कार्ड होता है, आप सबके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आता होगा, वो दो पेज का होता है। एक साइड सब्जेक्ट लिखे होते हैं और उसमें कुछ मार्क्स और लाल रंग की लाइन वाइन कहीं डाल दी जाती है, और दूसरी साइड लिखा जाता है कि बच्चा क्लास में बात नहीं करता, बस इतने सा रिपोर्ट कार्ड होता है। ये एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। इसमें तीन तरह के मूल्यांकन होंगे। एक तो खुद बच्चा अपना मूल्यांकन करेगा, दूसरा सहपाठी जो उसके हैं वो उसका मूल्यांकन करेंगे, और तीसरा उसके शिक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे। और ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें हर साल इस बच्चे को कौन सी लाइफ स्किल इस बच्चे में समावेश होनी चाहिए वो लिखा होगा, पेरेंट्स के साथ चर्चा होगी, और वो हर लाइफ स्किल के ऊपर चर्चा करता हुआ रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करके जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास अपने पिछले 15 साल का पूरा एक जिसको कहते हैं कच्चा चिट्ठा होगा, जिसमें लिखा होगा कि वो कौन कौन सी स्किल्स उसने इम्बाइब करी है। हर एक बच्चे का, चूंकि हम बुनियादी शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देने वाले हैं, तो ऐसे हर एक बच्चे का लर्निंग आउटकम्स हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि उस बच्चे ने बुनियादी शिक्षा लिटरेसी और न्यूमरेसी उसको अचीव की है या नहीं, तो वो उसकी बात की गई है। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसका नाम परख रखा गया है, परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे को परखने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो सेंटर है जो हमारे देश में करीब अभी 60 रिकग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स गाइडेंस, ये पहली बार हो रहा है, ये किसी शिक्षा नीति में पहले कभी नहीं आया है। बोर्ड है एक बेंचमार्क जो सेट किया जा रहा है वहां तक पहुंच सके। NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ऑफर करेगी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ताकि जो बच्चे हैं एक कॉमन एग्जामिनेशन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑफर होगा NTA की तरफ से। टीचर्स के लिए एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा जिससे टीचर की रोल एक्सपेक्टेशन क्या है और टीचर को किस बेंचमार्क पे पहुंचना है उसके बारे में एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा। ये NCERT और NCTE मिलके तैयार करेंगे और ये पूरे देश में लागू होगा। बुक्स की प्रमोशन के लिए बुक, ये पढ़ना कितना जरूरी है इसके ऊपर हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ नहीं पाता है तीसरी कक्षा तक तो वो आगे उसका पढ़ाई जो है उसकी बहुत सीमित हो जाती है। तो बुक्स रीडिंग एंड प्रमोशन पॉलिसी, उसी तरह डिजिटल लाइब्रेरीज के ऊपर जोर रहेगा। सर ने जैसा बताया स्कूल्स में भी एक ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम होगा सेल्फ डिस्क्लोजर का स्कूलों का, फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसके आउटकम्स क्या होंगे, पहली चीज तो मैंने जैसे कि कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के सेकेंडरी स्कूलिंग का यूनिवर्सलाइजेशन 2030 तक करने की बात है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ये पॉलिसी अलाइंड है। दूसरी चीज की जो बुनियादी शिक्षा है, हर बच्चा जो कक्षा 3 में पहुंचेगा उसकी बुनियादी शिक्षा अचीवमेंट हो वो 2025 मतलब 6 साल के अंदर करने की बात है। 100% GER सेकेंडरी लेवल की 2030 तक। जो हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं वो हर एक बच्चे को हमें वापस लाना है। जो टीचर्स हैं उनको जो अब नए तरीके से असेसमेंट होने वाला है, मूल्यांकन का तरीका बदलने वाला है, उसके लिए उनकी तैयारी 2023 तक करके उसको हमें लागू कर देना है। जो इंक्लूजन के लिए सर ने ऑलरेडी बात कर ली है कि हमको सारे बच्चों को, हर तरह के बच्चों को, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी कम्युनिटी से हो, किसी कास्ट से हो, किसी रिमोट एरिया से हो, हर तरीके के बच्चों को समावेश करने के लिए स्पेशल पॉलिसी एस्पेक्ट्स हैं, वो 2030 तक सब पूरे किए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स का मैंने आपको बता ही दिया है। हर बच्चे का इसमें ये लिखा है कि जब वो स्कूल से निकलेगा तो एक स्किल, एक वोकेशनल स्किल
उसको वो हासिल करके निकलेगा, ये भी इसमें पॉलिसी में लिखा है। और जो कॉमन जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं जो सेल्फ डिस्क्लोजर के, वो पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के लिए कॉमन रहेंगे, दोनों को एक ही स्टैंडर्ड में पहुंचने का है। तो ये स्कूल का इतना ही था, अभी सर आपको इसके बारे में बताएंगे।